इस धारावाहिक की घटनाएं और पात्र काल्पनिक हैं, इनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। कुंती, तुम यहां बाहर क्यों खड़ी हो? तो और क्या करूं, घर के अंदर तो आप लोग जम के बैठे हुए हैं। अगर ये सब अच्छा नहीं लगता तो जाकर अपने बाबूजी से क्यों नहीं कहती? अगर बाबूजी से कह सकती तो बात ही क्या थी। लेकिन आप लोगों को तो सोचना चाहिए ना, आप लोग शाम से आकर बैठे और अब आधी रात होने को है लेकिन हिलने का नाम ही नहीं है। मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ सकता हूँ कुंती, लेकिन ये सब जाकर तुम अपने बाबूजी से कहो, डॉक्टर साहब से कहो, हमसे नहीं। और शर्मा जी, तुमने भी बहुत गोटियां खेली हैं। हाँ, मुझे सब मालूम है, बहुत गंगा स्नान किया तुमने। मैं अब आपको और नहीं पीने दूंगी, अब जी बहुत पीती हूँ। बाबूजी, ज्यादा पीने से आपकी तबीयत खराब हो सकती है। मेरी तबीयत की परवाह करेगी? हाँ, जा अंदर जाके बैठ जा, जा। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। और आप सब लोग, आधी रात होने को है, आप लोग को शर्म नहीं आती? आप लोग यहाँ जम के बैठे हुए हैं। वो मेरे दोस्तों की बेइज्जती कर रही है मेरे सामने, इसका हक मुझे दिया किसने? हाँ, ये देख, मेरा घर है, यहाँ मैं जो चाहूंगा वो करूंगा। बाबूजी, मैं आपकी बेटी हूँ, आप जरा सा तो ख्याल कीजिए, आपने इस घर को क्या बना के रखा है? अच्छा, बहुत जुबान चलने लगी है तेरी। हाँ, चल निकल अंदर, जाए आ जा। कुंती ठीक कह रही है, अब हमें चलना चाहिए। नहीं, कोई नहीं जाएगा यहाँ से, इसके कहने से क्या होता है? नहीं डॉक्टर साहब, अब हमें जाना चाहिए। मैं जा रहा हूँ, नहीं जाएगा कोई। घर में जवान बेटी के होते हुए हमें यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रुकना चाहिए था। देखिए ना, बेचारी कितनी देर से बाहर टहल रही है। चलिए सब लोग चलिए। अच्छा डॉक्टर साहब, नमस्कार। कुंती, हमें माफ कर देना। कर रहे अपने मन की है? अपने बाप की बेइज्जती करके खुश हो गए ना? देख, जब इस घर से निकालने के लिए मुझे तेरी शादी करनी पड़ेगी, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। लेकिन बाबूजी, मैंने ऐसा क्या गलत किया? अरे अच्छा, तू भी तो अपनी माँ पर गई है, उसे भी मेरा पिला पिलाना, दोस्तों के साथ उठना बैठना पसंद नहीं था। हाँ, वो तो गई, अब तू मेरे लिए दिक्कत खड़ी कर रही है। तू भी जाएगी, तू भी जाएगी तो फिर मुझे रोकने टोकने वाला कोई नहीं होगा। हाँ, तुझे भी चैन मिलेगा और मुझे भी चैन मिलेगा। सुनो, सो गए क्या? क्या है, क्या बात है, आजकल तुम उससे बात भी नहीं करते हो। क्या बात करूं रत्ना, अरे दिन भर इतना थक जाता हूं कि शाम तक बात करने के लायक नहीं रह जाता। मुझे तुमसे कुछ कहना है। कहो, क्या बात? वो लता है ना मेरी सहेली, उसकी बेटी की शादी है। उसकी बेटी की शादी है तो मैं क्या करूं? तुम्हें कुछ नहीं करना है, मैं उसकी शादी में जा रही हूँ। अब तुमने फैसला कर ही लिया है तो मुझसे क्या पूछ रही हो? पूछ नहीं रही हूँ, बता रही हूँ। दो दिन लग जाएंगे मुझे वहां पे, वो क्या है कि लड़की की शादी है ना, तो मना भी तो नहीं कर सकती। ये शादी शहर के बाहर है क्या?
हाँ ऐसा ही कुछ है, वो लोग तो तुम्हें भी बुला रहे थे लेकिन मुझे मालूम था कि तुम्हें नौकरी से छुट्टी नहीं मिलेगी तो मैंने मना कर दिया। ठीक किया ना? ठीक ही किया तुमने। मुझे सुबह जल्दी जाना है, मैं तैयारी करती हूँ, तुम सो जाओ। ठीक है रत्ना, गुड नाइट। गुड नाइट। आइए आइए अंदर आइए। मौसी अभी अकेले बैठे मैं आप ही को याद कर रही थी। क्यों? आपके अलावा कोई है ही नहीं जिसे मैं याद कर सकूं। मैं भी तो तुम्हारी अपनी कहा हूं, तुम्हारे बाप ने मुझे पराया कर दिया है। मौसी बाबूजी के पराया कर देने से आप मेरे लिए कभी भी पराई नहीं हो सकती। सही कहा तुमने कुंती, गजेंद्र के चाहने या ना चाहने से हमारे रिश्ते पर कोई असर नहीं पड़ सकता, इसलिए तो तुम्हारा ख्याल बार बार मुझे यहाँ खींच लाता है। मौसी आजकल मैं अपने आप को बहुत अकेला महसूस करती हूँ, इन बंद दीवारों में कैद मेरा दम घुटने लगा है। ये तुम्हारे लिए कोई नई बात नहीं है कुंती? हाँ। नई बात तो नहीं है, पहले भी अकेली रहा करती थी लेकिन पहले तो शाम होते ही बाबूजी वापस आ जाया करते थे, लेकिन आजकल तो उनका कोई पता ठिकाना नहीं है। मौसी तो क्या रात को घर नहीं आता? शहर में रहेंगे तब तो वापस आएंगे ना, आजकल तो उनका बाहर का ही दौरा लगा रहता है, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। एक दिन का बोलकर जाते हैं मौसी और 3 दिन बाद वापस लौट कर आते हैं। गजेंद्र ने प्रैक्टिस छोड़कर कोई दूसरा धंधा शुरू कर दिया है क्या? हाँ, प्रैक्टिस के साथ साथ उन्होंने अपने हाथों से बनाई हुई दवाइयाँ बेचनी शुरू कर दी हैं और अब वो अपनी फार्मेसी अपनी फैक्ट्री लगाने की तैयारी कर रहे हैं। क्या? ये बात तो माननी पड़ेगी, गजेंद्र को कुछ आए या ना आए लेकिन पैसा कमाना तो खूब आता है। लेकिन ये पैसा किसके लिए? किसके लिए मौसी? एक बाप होने के नाते उन्होंने कभी भी अपनी बेटी की जरूरतें जानने की कोशिश नहीं की। वो सिर्फ अपने मतलब अपने जरूरतों के लिए जीने वाला एक स्वार्थी आदमी है, उसे ना कभी तुम्हारी परवाह रही है और ना रहेगी। ठीक कहा आपने, कभी कभी तो अपने दोस्तों को लेकर घर पर चले आते हैं, सारी सारी रात जमघट लगा रहता है और मैं कुछ बोलने को होती हूँ तो उल्टा वो मुझ पर गुस्सा होने लगते हैं। इसने कभी तुम्हारी माँ की नहीं सुनी तो तुम्हारी क्या सुनेगा? क्या आजकल वो कहीं गया हुआ है? डिस्पेंसरी और घर बनाने के लिए उन्होंने एक जमीन खरीदी है, उसे देखने गए। एक दिन का बोल के गए थे मौसी, आज 2 दिन हो गए, अब देखो कब लौट कर आते हैं। अपनी जवान बेटी को अकेले घर पर छोड़कर जाते, उसे शर्म नहीं आती? यही तो मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की मौसी, लेकिन वो मुझ पर गुस्सा होने लगे और बोलने लगे तेरे लिए मैं घर पर बैठा रहूं क्या? मौसी मेरा बहुत दम घुटने लगा है, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, बहुत डर जाती हूँ मैं कभी कभी। ऐसे में तू मेरे पास आ जाया कर। काश कि मैं ऐसा कर सकती, लेकिन आपका नाम सुनते ही तो बाबूजी मुझ पर चीखने लगते हैं। दिवाली आने वाली है, पता नहीं उस दिन तक वो वापस लौट कर आएंगे भी या नहीं, या इस बार भी दिवाली मुझे अकेले ही मनानी पड़ेगी। क्यों? इतना बड़ा त्योहार तू अकेले क्यों मनाएगी? तो फिर मैं क्या करूं मौसी? गजेंद्र की चिंता छोड़, वो अगर नहीं आता तो ना आए, इस बार दिवाली तुम मेरे साथ मनाएगी। नहीं मौसी नहीं, मैं आपके साथ आश्रम नहीं चल सकती, बाबूजी को पता चल गया तो वो मेरी जान ले लेंगे। तो क्या त्योहार के दिन अकेली रोती रहेगी? शायद मेरी तकदीर में यही लिखा है, हर साल यही तो करती आई हूँ त्योहारों पर। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, इस बार मैं कुछ ऐसा करने का सोचती हूँ कि जिससे कि ये दिवाली तुम्हारे लिए यादगार बन जाए। ये वो जगह है रत्ना जहां मेरा बंगला बनेगा, आगे की तरफ बनेगी डिस्पेंसरी और पीछे घर होगा। बहुत सही जगह चुनी है तुमने, बिल्कुल सड़क के किनारे। अरे इसीलिए तो काफी महंगी पड़ी, मैंने भी सोचा देर करूंगा तो कहीं और रेट ना बढ़ जाए। एक बात समझ में नहीं आ रही है मुझे, तुमने ये जरूरी क्यों समझा कि मैं ये प्लॉट देखूं? अब तो मुझसे अलग थोड़े रत्ना,
जब से तुम मुझे मिली हो मेरी तरक्की बतरक्की हो। सच्ची तुम्हारे लिए इतनी लकी हूँ मैं? और क्या, वरना ये सब तो मैंने सोचा ही नहीं था। मैं किराए के घर में रह रहा था, किराए की डिस्पेंसरी में काम करता था, तुम आई तो मेरी हैसियत इतनी हो गई। अब तो मैं अपनी दवा की फैक्ट्री लगाने जा रहा हूँ। मेरी तो भगवान से यही प्रार्थना है कि तुम दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करो। लेकिन तुम्हारी इस तरक्की से मुझे क्या मिलेगा? अब मेरी तरक्की होगी तो तुम्हारी भी तो होगी। वो जैसा घर तुम्हें मिला हुआ है ना कंपनी की तरफ से बड़ा, वैसा ही बड़ा घर एक दिन मैं भी तुम्हें दूंगा। सच्ची? देखो मैंने तुमसे कभी भी जब वादा किया है तो उसे निभाया है। इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन तुम्हारे लिए मुझे भी तो बहुत कुछ करना पड़ता है, झूठ बोलना पड़ता है। तुम लगानसी का झूठ बोल कर आई हो तुम? मैंने उनसे कहा कि मैं अपनी सहेली की बेटी की शादी में जा रही हूँ। तो उसने ज्यादा पूछताछ तो नहीं की तुमसे, कौन सी सहेली, कहाँ की सहेली? वो लल्लू राम के पास इतनी अकल होती तो बात की जाती। अब दो दिन तक जी भर के जीऊंगी सहेली की बेटी की। लगता है रत्ना आ गई। नमस्ते पिताजी। अरे मन बेटा तुम यूं अचानक? हाँ पिताजी, दिवाली की छुट्टियां थी तो मैंने सोचा आप लोगों से मिल चलूं। अरे बेटा ये तो तूने बहुत अच्छा किया, चला अंदर अंदर बाहर क्यों करा? और सुना तेरी हॉस्टल लाइफ मजे में चल रही है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? हाँ पिताजी हॉस्टल लाइफ तो ठीक है, लेकिन ये दिवाली के मौके पे अपने घर में कुछ सजावट नहीं कर रखी, क्या बात है? अरे बेटा अब ये घर कोई अपना तो है नहीं, कंपनी का दिया हुआ मकान है, इसमें क्या सजावट करना? पिताजी कंपनी का दिया हुआ मकान है लेकिन इसमें रहते तो हम लोग ही हैं, त्योहार के मौके पर कुछ न कुछ सजावट तो कर ही लेनी चाहिए। हाँ बेटा होनी तो चाहिए थी, लेकिन मैं अकेला भला क्या घर की सजावट करता है? क्यों, माँ कहाँ है? बेटा तुम्हारी माँ अपनी सहेली की बेटी की शादी में गई हुई है। ओह कब वापस आएंगी? अब कहकर तो दो दिन के लिए गई है, आके उसकी मर्जी। बताइए मैं यहाँ आया इतना दूर से चल के कि हम सब लोग एक साथ हों और अब माँ शादी में चली गई। तो ऐसा क्यों कह रहा है, मैं तो हूँ ना तेरे साथ, और माँ भी आ जाएगी भाई, उसे भी तो पता है दिवाली का त्योहार है, उसे भी घर आने की जल्दी होगी। खैर पिताजी ये सब छोड़िए, अब आप ये बताइए कि आपका काम कैसा चल रहा है, आपकी नौकरी कैसी चल रही है? कुछ मत पूछो बेटा, बस ये समझ लो कि निभाया चले जा रहा हूं। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं आप, क्या बात है पिताजी, आप कुछ परेशान से लग रहे हैं? नहीं बेटा ऐसी तो कोई बात नहीं है। नहीं पिताजी जब मैं पिछली बार आपसे डोनेशंस के पैसे लेने आया था तब भी आप मुझे कुछ उलझन में दिखाई दिए थे, अब की बार आप पहले से कहीं ज्यादा बूढ़े दिखाई देने लगे, माँ में और आप में कितना फर्क आ गया। अब सोच का फर्क तो हम दोनों में बहुत है बेटा, और यही सोच किसी को बूढ़ा बना देती है। और बात सिर्फ इतनी सी नहीं है पिताजी, मुझे लगता है कि मेरी पढ़ाई का बोझ आप पे कुछ ज्यादा ही आ गया। नहीं बेटा तू ऐसा क्यों सोचता है? नहीं पिताजी आप मुझे ये बताइए कि पिछली बार जब आपने डोनेशन के 50,000 रुपए दिए थे वो आप कहां से लाए थे, आपने उधार लिए थे या फिर? वो सब छोड़ो बेटा, देखो तुम्हारी जरूरत थी मैंने पूरी कर दी, बस बात खत्म हो गई। बेटा एक पिता होने के नाते जो भी मेरा फर्ज तुम्हारे प्रति है मैंने उसे पूरा किया है। एक बात कहूं बेटा, मैं जिंदगी में कभी तुम्हें निराश नहीं देखना चाहता। और पिताजी मैं भी अपनी खातिर आपको इतना हैरान और परेशान नहीं देख सकता। बेटा अब तो मैंने ये सब समय पर छोड़ दिया है, अरे समय जो भी कराएगा मैं करता जाऊंगा। खैर ये सब छोड़ो, तुम जल्दी से हाथ पांव धो लो, मैं तब तक कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करता हूँ। नहीं नहीं पिताजी आप खाने पीने का रहने दीजिए, मुझे मेरे कुछ दोस्तों से मिलना है, मैं उनसे मिलकर आ जाता हूँ। ठीक है बेटा लेकिन जल्दी आना, मैं तुम्हारी पसंद का कुछ ना कुछ बनाकर जरूर रखूंगा। ठीक है पिताजी।
हेलो, नमस्कार कमलाकांत जी। नमस्कार, कौन बोल रहा है? मैं माया बोल रही हूँ, जरा रत्ना से बात करवाइए प्लीज। माया, रत्ना तो घर पर नहीं है।